कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसहमति से पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर के साथ 865 गांव की इंच इंच जमीन महाराष्ट्र में समाविष्ट करने के लिए सभी आवश्यक कानून पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाएगी। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसहमति से पास कर दिया गया है। इसमें मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करने की बात कही गई है। सदन में इस प्रस्ताव को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेश किया था। इस प्रस्ताव को लेकर सदन में अपनी बात रखते हुए शिंदे ने कहा था, हम कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में महाराष्ट्र के बेलगाम, कारवार, निपानी, भालकी, बीदर शहरों और कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांव को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिंदे ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए कर्नाटक सरकार से आग्रह करना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए कर्नाटक सरकार को समझना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही राज्य अपनी सीमा को बढ़ाना चाहते हैं। कर्नाटक चाहता है कि महाराष्ट्र के कन्नड़ भाषी इलाके कर्नाटक में शामिल हो जाएं। वहीं महाराष्ट्र की मांग है कि कर्नाटक के सीमाई मराठी भाषी इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल किया जाए। इन मुद्दों पर दोनों राज्यों के बीच लंबा विवाद चल रहा है। इस पर एक समिति का गठन भी किया जा चुका है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। हाल में यह विवाद फिर सुर्खियों में आ गया था। इस विवाद में परेशानी की बात यह है कि राज्य दूसरे राज्य की भाषाई इलाकों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि यह विवाद पहले का है, यह हमारी सरकार में शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिन उद्धव ठाकरे ने इस विवाद पर अब बयान दिया है, वो पिछले 2.5 साल से सत्ता में थे। उन्होंने इस मुद्दे को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा में बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री बसवराय बोम्मई द्वारा राज्य के हितों की रक्षा के लिए सीमा विवाद पर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। बीजेपी कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सत्ता में है, जहां वह शिवसेना के शिंदे नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को आश्वासन दिया था कि हम एक इंच के लिए भी लड़ेंगे, हम कर्नाटक में मराठी भाषी आबादी के न्याय के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। सीमा का मुद्दा भाषाई आधार पर दोनों राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1957 से है। महाराष्ट्र बेलगावी पर दावा जताता है, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, क्योंकि वहां अच्छी खासी तादाद मराठी बोलने वालों की है। उसने 814 मराठी भाषी गांव पर दावा जताया है, जो अभी दक्षिणी राज्य का हिस्सा है। डेक्स रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।